हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बिट्टू और आप देख रहे हैं द आर्ट वर्ल्ड ऑफ बिट्टू। सो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में बनाया था डॉम्स आर्ट स्ट्रोक का रिव्यू किया था और डिटेल बताई थी, लेकिन हमने उसे यूज़ नहीं किया था। आज हम यूज़ नहीं करेंगे उसे। आज हम इस कलर से एक पेंटिंग बनाएंगे जो मेरे पास नॉर्मल ऑयल पेस्टल भी थे, लेकिन मैं आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको आज बताऊंगा कि आप शेडिंग कैसे करते हैं और ड्राइंग कैसे करते हैं। आपको मैं एक ऑयल पेस्टल ड्राइंग बना के दिखाऊंगा, आप उसको देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं अभी मैंने ये कर लिया है। फ्रेंड्स, मेरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपको आवाज़ आ रही होगी। मैं आपको पहले कलर्स बता दूँ, मैं ले रहा हूँ ब्लैक 16। आर्टिस्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं अपने नॉर्मल ऑयल पेस्टल का, और लाइट ब्लू, और उसके बाद हम लेंगे कोबाल्ट ब्लू एंड पर्शियन ब्लू। कोबाल्ट ब्लू आपको इतना डार्क नहीं मिलेगा, तो आप उसमें एंटवर्प ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं। आपको एंटवर्प ब्लू ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम करते हैं, इसमें एंटवर्प ब्लू आपको आर्टिस्ट में नहीं मिलेगा, आपको इसमें कोबाल्ट ब्लू अच्छा खासा मिल जाएगा, आपको वो अच्छा मिलेगा, इसलिए हमें इसमें एंटवर्प ब्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं भी आपको इसमें हल्का सा जूम करके दिखाता हूँ कि मैं कौन कौन से कलर कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने जूम कर लिया है। पहले मैं ब्लैक लूँगा और इसे यहाँ पे ध्यान से ऐसे हल्का हल्का इतनी लेयर कर लूँगा जितने में हमारा आ जाए हमारी ड्राइंग। ये देखिए, इतने में हमारी ड्राइंग आ जाएगी। हम ऐसे ऐसे आएंगे, ये देखिए, इसमें थोड़ा सा आप इसको एकदम स्ट्रेट ना करें, वरना एकदम स्ट्रेट करने की वजह से ये आपकी अच्छी लाइन नहीं आएगी, ये आप पर रियलिटी लुक नहीं देगी। तो आपने हमने ऐसे कर लिया है। अब हम इसके बाद अलग कलर करेंगे। हमें इसके बाद करना है थोड़ा लाइट कलर, लेकिन हम वो नहीं कर सकते हैं, तो हम करेंगे कोबाल्ट ब्लू लेंगे, लेकिन हमारे पास एक डार्क कलर कम है, तो मैं अपने कलर से निकाल लेता हूँ, क्योंकि लाइट ब्लू बहुत लाइट हो जाएगा और हमें चार कलर करने ही होंगे, क्योंकि तीन लेयर बनानी है हमें। तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ, हम क्या ले सकते हैं, ब्रिलियंट ब्लू। आई एम टेकिंग स्काई ब्लू। स्काई ब्लू अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको स्काई ब्लू मिलेगा, और अगर आप इसको नॉर्मल ऑयल पेस्टल में ऐसा देखना चाहते हैं तो आपको ये स्क्रिलिन ब्लू के नाम से मिलेगा, स्क्रिलिन ब्लू ह्यू से मिलेगा। तो हमने स्काई ब्लू ले लिया है। उसके बाद हम इसमें ऐसे करेंगे, इसको एकदम स्ट्रेट लाइन में ले जाना है। आपको इतनी स्पेस देनी है कि आपकी तीन कलर आराम से आ जाए ऊपर। देखिए, ये देखिए, ऐसे देखिए, ये देखिए, एकदम स्ट्रेट हो गया है हमारा। देख सकते हैं आप, जैसे हमारा एकदम स्ट्रेट हो चुका है। अब उसके बाद हम करेंगे अपना कोबाल्ट ब्लू। तो कोबाल्ट ब्लू के लिए भी हम एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पे, और फिर लास्ट कलर तो हमारा पर्शियन ब्लू है, सबको पता है, तो हमें उसके लिए कोई लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें लास्ट कलर है हमारा, और उसके लिए लाइन के लिए ऊपर जगह ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम। ये देखिए, ऐसे हो गया है। अब हम यहाँ पे नीचे ब्लैक कर लेंगे। आप इसको डार्क ना चलाएं, इसको हल्का चलाएं, जिससे आपका कलर लंबा चले, आपको जल्दी ख़त्म ना हो और आपका अच्छे से यूज़ भी हो जाए, जिससे आपका कलर वेस्ट ना जाए, क्योंकि ये आपको थोड़े महंगे मिलेंगे नॉर्मल कलर से। ये आपको मिल जाएंगे 400, 490, 500 में आपको ये मैक्सिमम मिलते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से यूज़ करें हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सबसे पहले अपने लिए एक नॉर्मल क्वालिटी ऑयल पेस्टल लेना चाहिए, फिर उसके बाद आपको अपने लिए एक आर्टिस्ट ऑयल पेस्टल लेना चाहिए, क्योंकि आप नॉर्मल क्वालिटी यूज़ करते हैं तो आपको हो जाता है ये अनुभव कि आपको कौन सा पेस्टल यूज़ करना चाहिए। अगर आपको उसमें ब्लेंडिंग सीख सकते हैं, आप अगर लाइट ब्लेंडिंग करते हैं तो आपको उसमें फ़ायदा होगा, आप लाइट ब्लेंडिंग कर सकते हैं, आप उसमें ब्लेंडिंग सीख सकते हैं अलग अलग चीज़ें। लेकिन अगर आप सीधा आर्टिस्ट ऑयल पेस्टल लेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें सीखने को नहीं मिल सकती है, और आर्टिस्ट ऑयल पेस्टल से ज़्यादातर ड्राइंग भी नहीं करते लोग उसमें क्या कहते हैं, पहले अपने उससे करते हैं, फिर लास्ट में आपको आर्टिस्ट वाला बता देंगे कि आप आर्टिस्ट ले लीजिए, आपको ये रहेगा,
उन लोग कोई कमीशन के लिए ऐसे करते हैं पैसे के लिए, लेकिन हम पहले यहाँ पे अपना कर लेते हैं। मैं भी ये देखिए ऐसे ऐसे करते जाएंगे हम। फ्रेंड्स आपको अपना हाथ इस ब्लैक कलर के ऊपर नहीं आना चाहिए आपका हाथ, वरना आपकी पूरी पेंटिंग ख़राब हो सकती है। अब ये देखिए मैंने ऐसे कर लिया है, मेरी पेंटिंग बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है क्योंकि मेरा ब्लैक के ऊपर हाथ ही नहीं आया था, मेरा में ब्लैक डॉट्स नहीं आए हैं, मेरा सिर्फ और सिर्फ ब्लू ही आ रहा है यहाँ पे। फ्रेंड्स आप इसमें ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, आपका कलर किसी और कलर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ब्लैक शेड है तो ग्रे आपका ब्लैक के ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर आप ब्लैक है तो आपका ब्लैक वाइट में नहीं जाना, ब्लैक डार्क ज़्यादा लाइट कलर में जा सकता है, ब्लैक में ब्लू में, लेकिन अगर आपका ब्लू है तो आप ब्लैक कलर में ना ले जाएं वरना आपका पूरा ड्राइंग ख़राब कर सकता है वो चीज़, इसलिए आप ना करें। फ्रेंड्स हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे ये वीडियो बहुत ज़्यादा फैले और हम आपको अपनी सबसे लेटेस्ट वीडियो हर 2 दिन में आपको देते रहें। अभी मैं आपको हफ्ते में 2 बार देता हूँ, संडे और वेडनेसडे को, लेकिन अब मैं आप अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं आपको हमेशा दूंगा। मैं आपको मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे मैं आपको उसी दिन एक शॉर्ट वीडियो में दिखा दूंगा कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं, आपको बता दूंगा मेथड आप चेक कैसे कर सकते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स को, और सब्सक्राइब कैसे कर सकते हैं, बेल आइकन कैसे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरी कुछ मैं इस वीडियो का कल अपलोड नहीं कर सका, सॉरी उसके लिए, मैं आपसे बहुत बहुत सॉरी करता हूँ क्योंकि मैंने वो वीडियो मैं नहीं बना सकता था, उसको मैंने क्या किया है, ये वाली वीडियो मैं कल बना सकता था लेकिन मैं नहीं बना पाया, किसी मैं कुछ अपना क्या कहते हैं कुछ उसकी एग्जाम अपना ऑनलाइन क्लासेस हमारे लगती हैं, आपकी भी लगती होंगी शायद, तो कई सारे स्कूल में नहीं लगती हैं, कई सारे स्कूलों में लगती हैं, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस थी तो उसमें मैं था, तो आप इसको ना करें इसलिए सॉरी उसके लिए, बहुत बहुत सॉरी, लेकिन आपको दोबारा सॉरी कहता हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन आपसे ऐसा नहीं होगा, अब मैं आपको रेगुलर वीडियो देते रहूँगा, तो आप देखते रहिए। देखिए देखिए कितना अच्छा आता है लेयर में, ये देखिए कितना अच्छा आया है, ये देखिए कितना अच्छा आया है, ये देखिए पर लास्ट कलर हमारा पर्शियन ब्लू है, साइड साइड में कर लिया है, और ये देखिए ये लाइट कलर, ये डार्क कलर है, तो अगर आप इसको कोबाल्ट ब्लू या लाइट ब्लू के ऊपर हल्का सा भी चला लेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इनके ऊपर कोबाल्ट ब्लू चला लेते इस तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता था और आपकी ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ही बैड आ सकती थी। फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूँगा, ये हमें 7 मिनट्स किए हैं, मैं इसको ट्राई करूँगा कि 13 मिनट्स में कंप्लीट कर लूँ, फिर देखते हैं हमारे कितने मिनट्स में वीडियो हो गई है। मैं तो अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप जब इसको देखें तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में क्लिक करें, और अगर आपको हमारी और भी वीडियोस देखनी हो तो आर्ट वर्ल्ड ऑफ बिट्टू नाम से सर्च करें कि जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिलती जाए। अभी तक मैंने बहुत सारी 4 वीडियोस बना चुकी हैं, आप उन वीडियो को अगर आपको देखना है तो मैं उसको बेल उसमें वीडियो को कुछ वीडियोस का लिंक मैं आपको आई बटन्स में दे दूंगा, और उन और कुछ वीडियो बहुत और सभी वीडियोस का लिंक मैं जितने अभी तक मैं 4 वीडियोस बनाई हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसलिए आप ना करें फिक्र। और ये देखिए और जल्दी से हम कर लें ट्रिक, टिकरे यार बस जोक था, तो अभी जॉब का टाइम नहीं है, अभी हमें अपना ब्लेंडिंग करनी है। ये देखिए ऐसे कई सारे लोगों को ड्राइंग बहुत बोरिंग लगती है, ड्राइंग असल में अगर आप ऐसे पेंटिंग करना चाहते हैं कई सारे लोग नहीं सीख पाते हैं, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, कभी भी मैं आप मुझे रेकमेंड करिए मैं आपके लिए बना दूंगा, आपको जो वीडियो देखनी है आप उसके ऊपर बात करिए, मेरे को जीमेल करिए vedsart@gmail.com में, मैं आपको करूँगा। तो ये देखिए हम पहले लाइट ब्लू करेंगे ब्लेंड, इससे क्या होगा हमारा, ये देखिए कितना अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से, ये देखिए आपको जूम इन करके दिखा रहा हूँ, ये
ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है। और ये देखिए हमारा टिश्यू पेपर भी कितना रफ एंड टफ है। और आप देख सकते हैं अगर आप इसकी जगह ही अप्सरा का लेंगे तो आपको बहुत बैड क्वालिटी देता है, लेकिन कई सारे लोग अपना अप्सरा की कंपनी की ब्रांडिंग करने के लिए लोग करते हैं, उनको स्पॉन्सर मिलते हैं उनसे, इसलिए वो बताते हैं। लेकिन मैं उसके लिए गलत नहीं हूँ, क्योंकि आप अप्सरा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप बहुत जल्दी ही आपको एक अभी करना है। अगर आपके बजट थोड़ा हाई है तो आप अप्सरा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अप्सरा का बजट बहुत हाई होता है। उसके आप वाटर कलर्स भी लेंगे, सिक्स शेड भी लेंगे तो आपको 50 रुपीज़ का मिल जाएगा, जबकि अगर आप यहाँ पर 12 शेड आपको 50 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा, आपको 25 शेड 100 रुपीज़ के अंदर मिल ही जाएगा आपको कैमल के में, है ना। तो आपको उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिकमेंड करूँगा आप कैमल की चीज़ें और डॉम्स की चीज़ें यूज़ करें। मैं आपको अप्सरा भी रिकमेंड करूँगा, लेकिन अगर आप अपना पैसे आप बजट के बाहर जाना चाहते हैं या फिर बजट आपका बहुत हाई है, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप उससे तब करना चाहते हैं, तब आप अप्सरा ले सकते हैं। लेकिन अप्सरा मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो बहुत पैसे वेस्ट होते हैं उसमें। अगर आप अप्सरा के आर्टिस्ट देखेंगे भी, अप्सरा का कुछ भी लेंगे अगर आप, और आपको फेबर कैसल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, टीटी रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि टीटी भी बहुत अच्छे ऑयल पेस्टल्स हैं। टीटी पोलो ये भी अच्छे ऑयल पेस्टल्स हैं। आप इनको मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन मेरे पास अभी लॉकडाउन के कारण मेरे पास बहुत सारे ऑयल पेस्टल्स नहीं हैं, तो मैं आपको जितने मेरी वीडियो मेरे पास ऑयल पेस्टल्स मैं उनकी वीडियो बना के आपको दे चुका हूँ। अब मैं आजकल मैं अभी ड्राइंग की वीडियोस बना रहा हूँ, ड्राइंग के ऊपर कि ड्राइंग कैसे करते हैं। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे हल्का हल्का आ रहा है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डार्क कलर है तो इसमें लाइट ब्लू नहीं चढ़ेगा उसमें ऊपर उठता, और ये अच्छा शेड दे देगा। ये देखिए कितना अच्छा शेड आ रहा है, कितना अच्छा शेड आ रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। आपकी आँखों के सामने ये सब कर रहा हूँ मैं आपको इसको वापस से दूर करके दिखाता हूँ। ये देखिए अब पास करके देखेंगे तो ये देखिए, ये आपको कैमरा की कुछ टेक्निक्स की वजह से होता है। देखिए कितने एकदम वाटर सॉलिड फिक्स आ रहा है, इसके अंदर वाटर की तरह एकदम ऐसा लग रहा है ना कि वाटर है, लेकिन वाटर नहीं है, हमारा ये मूनलाइट सीनरी है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो रहा है, कितनी अच्छी तरीके से हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा अगर आप यूज़ करते हैं ऑयल पेस्टल्स, तो मैं आपको ऑयल कैमल के ही ज़्यादातर रिकमेंड करूँगा कैमल। और अगर आपको कैमल वैसे आप डॉम्स का भी ले सकते हैं अगर आप नॉर्मल ले रहे हैं, तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि डॉम्स जो होते हैं वो ऑयल फ्री होते हैं, और उसमें ज़्यादा ऑयल रहता है जिसकी वजह से वो नॉन ड्राइबल ऑयल उसमें ज़्यादा डाला रहता है, जिससे वो चिपके ना उंगलियों में और वो ज़्यादा दिनों तक चले और अच्छे से ब्लेंड हो जाए। वो आर्टिस्ट थोड़े लो क्वालिटी बहुत लो क्वालिटी के होते हैं, लेकिन अगर आप जंबो देखें तो दोनों के सेम ही जंबो आते हैं, इसलिए आप जंबो में कोई सभी ले सकते हैं। मैं आपको कोई रेकमेंड नहीं करता हूँ, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेकमेंड करूँगा इसमें डॉम्स का अगर आप नॉर्मल ले रहे हैं, और अगर आप आर्टिस्ट ले रहे हैं तो आपको मैं रेकमेंड करूँगा इसका क्या कहते हैं हमारे कैमल का। और अगर आप आर्टिस्ट के ऑयल पेस्टल लेना चाहते हैं, आपका बजट 600 के पार है आसपास है, तो आप ले सकते हैं फेबर कासल के। फेबर कासल भी ठीक ही ठाक कंपनी है, लेकिन उतनी अच्छी कंपनी नहीं है जितनी कैमल। कैमल वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रियॉन्स कंपनी है, इसलिए कैमल के मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, इससे आपको ज़्यादा अच्छी ड्राइंग आती हैं। ये देखिए हमारे ये थे, ये हमारे पेस्टल डॉट्स थे, जैसे केक में हम लोग बनाते हैं तो डॉट्स बबल्स बनते हैं वैसे ही थे। ये देखिए हमारे, ये देखिए आप, ये देखिए नीचे का थोड़ा सा किसी, देखिए हिचक्या। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपने हमारा देखा था वीडियोस में, अगर आपको और चैनल अगर आपको आर्ट के ऊपर चाहिए, लेकिन आपको वो चैनल नहीं लेना चाहिए, अगर आपको
अभी आप बिगनर्स हैं तो आप मेरे ही चैनल पे आके सारी वीडियोस देखिए, क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोस अभी नहीं है, लेकिन अभी मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है तो अभी मैं सेटअप करूँगा अपने चैनल पे पूरी वीडियोस का, इसलिए आप टेंशन ना लें। और मैं आपको अपनी जल्द से जल्द आपको लेटेस्ट वीडियो का लेटेस्ट अपडेट और हर चीज़ आपके पास पहुँचाऊँगा। आप बस मुझे अपना जीमेल, आप लोग मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जब भी मैं हर संडे और वेडनेसडे डालता हूँ थर्सडे ऐसे, तो आपको नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करने की वजह से, अगर आप बेल आइकन में नहीं क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको नोटिफिकेशन क्लिक करनी होगी, जिससे आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन इसी तरह नोटिफिकेशन होता है तो नोटिफिकेशन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपने फ़ोन्स में भी। आप पूरे होम स्क्रीन में आप देखें, जैसे ही आप यूट्यूब ऑन करेंगे आपको दिखाई देगा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, देखिए बहुत गंदा आ रहा है हमारा, बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा। अब हमारा पेपर भी कितना गंदा हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे पेपर गंदा हो गया, ये देखिए कितना गंदा हो गया, छी छी छी, सो डर्टी। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, पेपर ऐसे खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे, ये देखिए ऐसे खोलेंगे, ऐसे फिर इनको ऐसे भी कर लेंगे, देखिए कितनी जल्दी जल्दी ब्लेंड होगा। देखिए फ्रेंड्स, देखिए हमारी वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा की हो रही है, तो फ्रेंड्स आप इसको थोड़ा सा आगे भी कर सकते हैं। मैंने सारे कलर्स आपको पहले बता दिए, बस मैं अभी ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। आप, मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके करूँगा, देखिए मैंने इसमें कुछ भी एडिट नहीं किया है, मैं इसमें कुछ भी बीच में नहीं किया है। मैं फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करूँगा, फ्रेंड्स मेरी बहुत लंबी वीडियो होने के कारण मैंने वीडियो को स्किप कर दिया थोड़ा सा, आप टेंशन ना लें। मैंने सिर्फ ब्लेंडिंग की है, इसमें और कुछ नहीं किया है, वो मेरा कितना हल्का सा। अब हम लोग ने नॉर्मल पेंसिल ले लेंगे और आप देखिए ऐसे हम उसको पकड़ेंगे। मैं इसको आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, अभी इसको अच्छे से आप ब्लेंड नहीं करिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ बनाना होगा। हम लोग यहाँ पर पहले हाउस बना लेंगे, देखिए ये कैसे हाउस बनाएंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हाउस बनाएंगे हम, ये देखिए। आपको जूमिंग से बहुत लंबी दिख रही होगी, लेकिन आप इसको दूर करेंगे तो ये आप बस इतनी ही है, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करिए, ये देखिए आप यहाँ पे हमारा कितना अच्छा आ रहा है,
ये देखिए आप, ये हो गया हमारा। देखिए देखिए, आपको यहाँ पे कर लेना है ऐसे, ये देखिए ऐसे ऐसे, ये देखो, ये देखिए आप पैसे यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए आप लोग ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ये देखिए हम लोग यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पे हम लोग हल्का सा होल कर लेंगे। अब हम लोग इसमें कोई कलर नहीं करने वाले हैं, इसलिए हम लोग देखिए, ये देखिए आपको मैं इसको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये ब्लैक रहने दीजिए, ब्लैक से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब बराबर ही रहेगा। हम लोग देखिए हमारे पास ये सब ऐसे हो गया है, ये देखिए कितने अच्छे से हमारा आया है। हम लोग साइड में एक ट्री बनाएंगे, देखिए यहाँ पे, देखिए ऐसे ले जाएंगे, ये देखिए, मैं तो जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ से, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ऐसे, देखिए देखिए ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे ऐसे, देखिए देखिए, ये देखिए ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा घोस्ट ट्री का इफेक्ट दे देंगे, है ना। यहाँ देखिए हम लोग ऐसे 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 इफेक्ट दे देंगे इसको, लेकिन देखिए हमारे यहाँ पे मैंने ब्लैक पे उंगली रख दिया है, तो हमें उंगलियाँ नहीं रखनी है, तो हम लोग यहाँ पे दूर रख के थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे। और यहाँ हो गया है, अब हम यहाँ पे पूरा ब्लैक करने वाले हैं। तो हम लोग एक एक 8B पेंसिल लेंगे, मैं आपको इसको थोड़ा सा, ये देखिए मैं आपको, ये मैं आपको दूर करके दिखा देता हूँ, दूर करके, ये देखिए ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करते जाइए, ऐसे ऐसे करते जाइए, कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, देखिए कितने जल्दी जल्दी हो रहा है, कितने जल्दी जल्दी हो रही है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप लोग, ये देखिए ग्रेफाइट है, इसका नाम है फिनिश्ड क्रिस्टलिंग ग्रेफाइट लीड पेंसिल है, लीड पेंसिल नहीं है ये, कैमल की, ये कैमल हाई क्वालिटी ड्राइंग पेंसिल, कैमल एल टी डी की है, 8B पेंसिल है ये कैमल की।
ये हाई क्वालिटी एड बी पेंसिल है, इसलिए इससे जल्दी जल्दी डार्क डार्क आ रहा है, देखिए कितना डार्क आ रहा है। लेकिन अगर आप इसकी जगह स्केचिंग पेंसिल लेंगे तो आपको इतना डार्क नहीं देगी। ये ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट की है, यहाँ पे देखिए ऐसे। ये देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं ऐसे कितना अच्छा आ रहा है, कितने अच्छा आ रहा है, कितना अच्छा आ रहा है। देखिए कितना अच्छा आया है, एकदम रियलिटी जैसा आ रहा है। अगर हम लोग रियलिटी में ऐसे घर में होते तो हमारा ऐसे ही आता है एकदम बिल्कुल ऐसे। ये देखिए 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 ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए हमारा ये कितनी जल्दी जल्दी ब्लैक हो जाता है, ये बहुत अच्छी पेंसिल है ये। मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि आपको पेंसिल से शेड कैसे करना चाहिए शेडिंग की। मेरे पास कुछ, मैं भी प्रिंटिंग अभी बीच बीच में शेडिंग करता था, मैं एक चैनल देखता था ड्रॉइट टू, आप उसमें देख सकते हैं, आप उससे, उसमें आपको अवेंजर्स, रेंजर्स, पावर रेंजर्स, इन सब के ऊपर कुछ ना कुछ बाहुबली इनकी ड्राइंग देखने को मिल जाएगी कुछ ना कुछ। ये शायद ये इंग्लिश में बोलते हैं इन लोग, तो आपको इनकी लैंग्वेज देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बस आप इनका वो देख सकते हैं इनकी लैंग्वेजेस, उसमें कैसे बोलते हैं इन लोग, बात कैसे करते हैं। बाकी आपको वो सब मैं आपको उसमें अगली आपको दिखा दूंगा। ये देखिए अब मैं जूम करूंगा, मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए ये देखिए कितना अच्छा आ रहा है। देखिए एकदम फिन जैसा आ रहा है, एकदम फिन। देखिए कितना अच्छा आ रहा है, देखिए कितना अच्छा आ रहा है यहाँ पे। देखिए ऐसे ऐसे करते जाइए आप लोग। ये देखिए देखिए ये देखिए देखिए
ये कितना अच्छा आ रहा है। ये वीडियो हमारी आधे घंटे की हो जाएगी, इसलिए आप कृपया करके इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें। सॉरी फॉर दिस लेटनेस। मैं आपको यहाँ पे स्किप करके दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे पूरा स्किप। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको टाइम लग जाता है करने में, मैंने स्किप कर दिया है बीच का। ये देखिए इसको हटा दिया ऐसे, यहाँ पे पूरा बन गया हमारा सीनरी। बस हमारे में कुछ चीज़ों की कमी है, उनको भी मैं पूरा करता हूँ, आप रुक जाइए एक सेकंड के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे ग्रे कलर ले लिया है, मेरी उंगली देख सकते हैं आपको कितनी गंदी यहाँ दिख रही होंगी। आप उनको जाके हाथ धुल लें फिर कुछ करें, अगर आप कुछ करने जाने का सोच रहे हैं तो। ये देखिए आप ऐप पे हल्का हल्का ऐसे ऐसे ग्रे कलर से कर लें। देखिए आपका यहाँ पे शेड आ गया है, ये यहाँ पे कितना अच्छा शेड आया है, एकदम रियलिटी मून की जगह जैसे। ये देखिए कितना अच्छा आया है, मैं आपको दूर करके दिखाता हूँ, हमारी ड्राइंग ऐसी है पूरी की पूरी। ये देखें, ये देखें कमारी, हमारे ड्राइंग में कमी थी जिसकी, येलो कलर की। नहीं नहीं हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पे ऐसे कर लेना चाहिए पहले पहले। थोड़ा ब्लैक आएगा क्योंकि रात की सीनरी है। आप जब दोबारा इसको यूज़ करें येल्लो, तो आप कृपया करके एक बार इसको पोंछ ले साइड साइड से। इस ड्राइंग के बाद अगर मैं कोई ड्राइंग बनाऊँगा, इसके बाद मैं ड्राइंग बनाऊँगा तो उस वीडियो में आप देखेंगे, अगर इसका यूज़ करूँगा मैं तो आप पहले इसको साइड साइड से पोंछ ले प्लीज़। देखिए कितनी गंदी हो चुकी है ये ड्राइंग, ये कलर गंदा हो चुका है। आप इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए, देखिए ऐसे ऐसे मैं उंगली कर रहा हूँ तो और गंदा हो रहा है, इसलिए हमें टिश्यू के ऊपर इसको ऐसे ऐसे स्क्रोल कर देना है, टिश्यू से उसको पोंछ देना है तो अच्छा साफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर हमारे वीडियो में अगर आप नए हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर जाएं हमारी और भी वीडियोस देखने के लिए। ये देखिए हमारे हाथ कितने गंदे हो चुके हैं, चलिए हैंड वॉश करके आते हैं फिर अपने बाकी काम करते हैं। तब तक अगली वीडियो में इस वीडियो को लेट पोस्ट करने के लिए मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अगर मैं अगली बार वीडियो बनाऊँगा तो मैं आपको संडे को दे दूँगा, इसके लिए सॉरी आज की देरी के लिए, लेकिन मैं आपको अगले संडे आपकी हमारी वीडियो लेटेस्ट अपडेट आपको जल्द से जल्द दूँगा। आप बस रुकते वेट करिए संडे का। बाय बाय।